क्योंकि सास की भी सास है 22 फरवरी से सिर्फ बिग मैजिक पर। Personalities from the TV industry, Mr. JD sir was here, and he's the best person to take you through the new show, so over to him. Please. So, Mahisagar, and we call him Naya Mahisagar. Naya Mahisagar itself speaks for the brand Mahisagar. It's a new Mahisagar. तो आप लोगों को पहली सीजन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए और मेरा जिम्मा बनता है, फर्ज बनता है कि मैं पहले आपको महीसागर के बारे में बताऊं शॉर्ट में। महीसागर जो पहला सीजन था बिग मैजिक पे, वो डेली कॉमेडी था और डेली कॉमेडी इट्स ये हिंदुस्तान का पहला डेली कॉमेडी था। एपिसोड प्रेजेंट करता था रोज एक कहानी, एक एपिसोड और वो नया टॉपिक, और वो महीसागर का रिकॉर्ड था। बिग मैजिक पे महीसागर वाज द फर्स्ट सीरियल जिसने 400 एपिसोड कंटिन्यूअस 400 नई कहानियों के साथ पहला सीजन कंप्लीट किया, तो हमने ब्रेक लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है, क्योंकि ज्यादातर देखो आप और मैं सब जानते हैं, जैसे हम कोई एक ऐसी बात करते महीसागर बिग मैजिक पे, तो सबके मन में ना ऐसा लगता है छोटा है कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कलर्स के शो पे जाना है। तो व्हाई आई वांट टू टेल यू दैट हमने कभी भी कोई भी ऐसी चीज करी नहीं है जिसको हम छोटा या बड़ा समझते हैं। हैट्स ऑफ प्रोडक्शन ने आज तक जितने भी शोज बनाए, चाहे वो खिचड़ी हो, खिचड़ी द मूवी जो हमने पहले हिंदुस्तान की पहली पिक्चर थी जो टीवी शो से पिक्चर बना था, सारा भाई वर्सेस सारा भाई आज भी द मोस्ट इन डिमांड शो है, बाबू और बेबी, आर के लक्ष्मण की दुनिया, आर के लक्ष्मण जी के कार्टून पे शो सोचना और बनाना, मिसेस तेंदुलकर करके शो बनाया था, जसुबेन जयंतीलाल जोशी की ज्वाइंट फैमिली जो अपने पहला सबसे बड़ा फैमिली हिंदुस्तान का, यहाँ पे 32 एक्टर एक फैमिली में रहते थे। तो हमने जब भी जो कुछ बनाया है वो हमने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे के बना, हमने ये नहीं सोचा है कौन सी चैनल पे कौन से शो या क्या, हमारा कन्विक्शन हमारी स्क्रिप्ट हमारे प्रोडक्ट पे रहा है, और वही एक वजह थी जिसकी वजह से महीसागर 400 एपिसोड तक चला, रोज नई कहानी, अपने आप में एक रिकॉर्ड कॉमेडी, और हमने 400 पे ब्रेक लिया जिस तरह हमने खिचड़ी में ब्रेक लिया था, क्योंकि हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जब आपको लगता है कि एक सेचुरेशन पे आप आग जाते हो, रोज कॉमेडी करते 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 कहीं थकान आती है, तो हमको लगा एक ब्रेक लेते हैं और फिर फ्रेशनेस के साथ शो वापस आएंगे। तो हमने एक ब्रेक लिया और हम नया महीसागर लेकर वापस आए हैं। तो अब जो इतना ऑलरेडी बड़ा शो था लोगों के लिए, उसमें हम नया क्या करें, वहां से सोच की शुरुआत हुई था, व्हाट इज दैट अनदर एक एक्स फैक्टर शो में लाना था। तो हमने कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाया कि मही जो गांव की है और सास जो कि मॉडर्न है, जिसको मही से ऑलवेज ये बात का दुख रहता है कि मेरी बहू को मैं एक दिन सुधार के रहूंगी, मेरी बहू को मैं ऐसी बनाऊंगी जो मेरे सर्कल में बराबर लगे एंड आई कैन प्रेजेंट हर वेल। मही जिसने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था, तो उसको लगता है कि जिंदगी तो ऐसी ही जी, मैं अपनी सास को ना अपनी माँ की तरह रह देखूंगी, तो माँ को यू वी ऑल कैन टेक फॉर ग्रांटेड, मम्मी को जो होता है बोल सकते। तो मही और अनुसुआ का रिश्ता ऐसा था, ये एक नया मेहमान लेकर आती है घर में और ये है दिवाली बहन मेहता। ये दिवाली बहन मेहता है जो कि अनुसुया की सास, यानी बहू बहू की सास है। अब वो सास का स्टैच्यू घर में आता है तो पहले तो इनको लगता है अनुसुया जी क्यों ले आई तू, मुझे वहां कचरे में पड़ा था, हमारे पूरा हमारे गांव में वो कचरे के ढग में पड़ा था, अब यहाँ ऐसी ये पुतला ही है ना, मूर्त ही है ना, आप क्यों इतने परेशान हुए, सच में थोड़ी आ गई। तो अनुसुआ जी बोलती मेरे सच में आ जाती तो बाप रे बाप। सो वहीं से आपको अंदाजा लग जाता है कि अगर ये सास इस सास के ऊपर आएगी तो क्या होगा। पर यहां से हमारी कहानी शुरू होती है कि जो अनुसुआ जी का भय है, जो डर है, वो सच होता है, क्योंकि ये बस्ट में से दिवाली में सास की सास बाहर आती है
कम उम्र में मर गई. कैसे चल बसी? क्योंकि उन्होंने वो खाने पीने की बड़ी शौकीन थे. गुजरात में तो बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है ना गुजरात में, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ ही पैदा होता है. डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेकर क्या इसका है बॉर्डर लाइन पे, अभी से ध्यान रखना. बड़े होते बॉर्डर लाइन मैनेज कर लेते हैं. तो ये जो दिवाली बहन थे, वो दिवाली बहन ने एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था. 100 गुलाब जामुन खाने की कॉम्पिटिशन थी, इन्होंने 150 खाया. फिर रिजल्ट सुनने तक रही नहीं वो. और उनके बस्ट के नीचे को एक लाइन भी लिखी है, हंसते रहो हमेशा, खाओ गाठिया और समोसा. तो शी बिलीव्स इन के लाइफ इज टू एंजॉय. पर वो बराबर एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी जब बहू आई तो बहुत ही अनुसूया, जो थोड़ी पढ़ी लिखी स्ट्रेट, वो बहू को माँ बेटी की तरह अप्रोच रखा, तो बहू को सुधार नहीं पाई बराबर, जिस तरह अपन अपने हिसाब से नहीं रख पाई. तो जब मर कर गई ऊपर, तो उनको बोला नो, आपका कोटा अभी बाकी है, यू टू गो बैक. क्यों? बोलता है आप अपना सास धर्म पूरी तरह से नहीं निभा पाई है, आपको जाना है और अपना सास धर्म निभाना है, अपनी बहू को सुधारना है. तो शी कम्स बैक. नाउ इतने बड़े किरदार के लिए, इतने बड़े किरदार के लिए वी हैव टू हैव समबडी हु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर, एंड जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं. इतना ऐसा कैरेक्टर है कि ये सास लगती सीरियस है पर बहुत नॉटी है, और बहुत सारी रिलीफ कॉमेडी फैक्टर है, और बहुत इमोशन है. तो एक रेंज की एक्टर हमको चाहिए थी, एंड हमको और ये बस देख के आप समझ गए होंगे कौन है वो किरदार, कौन कर रहा है. और बस देख के नहीं समझे तो हमारे बाजू में बैठे हैं जो आप सबको दिखते हैं, बाकी शो में सिर्फ मही को दिखते हैं. वैसे हमारे दिवाली बहन के किरदार में केतकी जी. केतकी जी ने बहुत टाइम से कॉमेडी शो नहीं किया, एंड शी इज अ सुपरलेटिव एक्ट्रेस ऑफ गुजराती स्टेज. आप सब जानते हो केतकी जी को बहुत बेसब्री से लोग काफी अरसे से चाहते हैं कि वो कॉमेडी रोल में फिर से आए. तो इन्होंने एक बार हमको अपनी एक विश बताई थी. हमारा केतकी जी का रिश्ता बहुत पुराना है, सरिता जी की डॉक्टर है, और सरिता जी ने तो हमारे साथ थिएटर में और बाप और बेबी की बा मेरे लिए तो माँ से भी ज्यादा है. तो एक रिश्ता हमेशा उनके साथ जितने भी शोज किए बहुत अच्छे रहे हैं. और केतकी जी से भी हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा है कि केतकी जी के साथ हमने सिर्फ एक शो में उन्होंने कुछ एपिसोड के लिए काम किया था, पर हमारी वो सीरियल बहनी भी सुपरहिट रही थी. तो लेट्स ये इनको नेचुरली हुआ है. और किरदार के बारे में ये ज्यादा बताएंगे, मैं सबके किरदार के बारे में नहीं बताऊंगा. कलाकारों का इंट्रोडक्शन मैंने कॉन्सेप्ट नोट आपको बताई, और मैंने कहा कि केतकी जी जैसी एक्ट्रेस हमारे साथ है इस तरह के किरदार में, विच मेक्स इट वेरी वेरी अडोरेबल, वेरी लवेबल एंड फन फील्ड. मेरे बाजू में आप देख रहे हैं मही, हु हैज लिव्ड दिस कैरेक्टर फॉर 400 एपिसोड्स. एंड मैं मही के लिए सिर्फ एक सेंटेंस कहूंगा तो बहुत काफी होगा कि गुजरात में आप लोगों को शायद बहुत गुजरात का आइडिया ना हो, पर महीसागर इज अ बिग बिग हिट इन गुजरात. मुंबई में गुजरात में बड़ा पॉपुलर है, और लोग उसे इनको पसंद नहीं ये टैग, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे बोलेंगे सर के माऊ की दू, बट इनको दिशा वाकानी से कंपेयर करते हैं, दया भाभी के साथ कंपेयर करते हैं लोग. ये इन्होंने मुझे अभी मैं इनको बताता हूँ तो ये ऐसे ही बोलते रहते कि प्लीज, बट यू विल सी हर परफॉर्मेंस, कोई भी एपिसोड प्रोमो देख लेना, एंड मार्क माय वर्ड्स दैट दया दिशा हमारे साथ एक शो में खिचड़ी में एक छोटा किरदार करके गई थी, एंड वी रिपीटेड हर फ्यू टाइम्स. दिशा हैज वर्क्ड अ लॉट विद अस, एंड जब इनको कास्ट किया था दैट डे हमने बोला था कि शी हैज गॉट द स्पार्क, एंड उन्होंने 400 एपिसोड में जिस तरह के बना, 400 एपिसोड इन टू डेज टाइम, एवरी डे वन एपिसोड की कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट, कोई नहीं कर पाता है, ही नहीं कोई शो हमारे वहां ऐसा. सो यू प्लीज स्पीक विथ हर वेन यू हैव वन टू वन कॉन्वर्सेशन. अनदर वन सिटिंग नेक्स्ट टू मई, मई का रियल नाम धरती है, प्रणोती जी है. ये रोल पहले वंदना जी करती थी, और वंदना का कुछ कमिटमेंट था, एंड हमको लगा कि यार अनुसुआ का किरदार जो है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल टू प्ले, जिनको जो अपनी सास को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, क्योंकि इंटेंशन ये नहीं था कि मैं मेरी सास को भी कंट्रोल करूं,
उसको पता था कि सास भाई थोड़ी सी खाने पीने इसमें उसमें ध्यान नहीं रखती है, तो ज्यादातर हमारे वहां यही होता है कि सास आती है, अरे बहू आती है तो बहू थोड़ी आज के जमाने की होती है, थोड़ी मॉडर्न होती है, पढ़ी लिखी होती है, एक्सपोज्ड होती है वर्ल्ड से, तो अपनी सास को उस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट करके वो लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। एक बहुत औहदे से रखना है, तो ये कैरेक्टर में काफी शेड्स है, तो वो उसके लिए हमको एक बहुत ही टॉप लाइन एक्ट्रेस चाहिए थी। हमने ऑडिशन करते हैं, लुक टेस्ट करते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रणोत जी का लुक टेस्ट किया एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप जब एपिसोड नंबर 1 से शुरू होकर देखेंगे तो यू विल फील दैट प्रणोत जी हैज डन सुपरलेटिव जॉब। एंड हम सब अब पोस्ट में यहाँ सीन सब देखते हैं, बाकी सारी कास्ट को पता है, दे ऑल वर्क एंड दे फील दिस इज अमेजिंग केमिस्ट्री। तो ये जो है बहू की सास की सास, ये तीन के साथ आपके साथ है। सागर जी बहुत, आप सारा भाई से सारा भाई में बहुत अच्छा किरदार था साहिल, जो सुमित राघवन ने परफॉर्म किया था। यू विल फाइंड सागर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ, बेचारा फंसा तो हर वक्त रहता ही था माया और मोनिशा के बीच, यहाँ तो बहुत लोगों के बीच में फंसा है। और सागर का ना एक बिजनेस आप लोग उसको पूछना जरूर, प्रोडक्ट लेके आता है जो चाइना से आते हैं, इन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट का यहाँ एजेंसी लिया है, तो कैसे कैसे चाइनीज प्रोडक्ट आएंगे, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे दो, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा और लगेगा भी ये महीसागर में सच में बहुत कुछ है। ये अपनी वाइफ को एक रोज लाकर देते हैं, वो रोज क्या है, रोज है तो ऑब्वियसली एक रोमांस होगा, तो रोज में जैसे मही जी एक रोज लेती है हाथ से, बड़ा अच्छा प्यार से गाने से रोज देते हैं, और रोज देखे सूंघती है मही, ऐसी हो जाती है, ये क्या है, ये रोज में ये रोज एक मॉस्किटो रिपेलेंट है, यानी वो बाल में लगा के सो जाओ तो आपके पास तो मच्छर नहीं आएंगे, आपके बाजू में सोने वाले के पास भी मच्छर नहीं आएंगे फरवरी, यानी कि ये आने वाले सोमवार से शाम 7:30 बजे बिग मैजिक पर शुरू होगा। आई रिपीट, 22 फरवरी आने वाले सोमवार शाम 7:30 बजे। डू यू वॉन्ट टू से द चैनल पोजीशन ऑफ के बिग मैजिक टाटा स्काई पे 135 ऐसा कुछ? फाइन, मैं तो बहुत पर्टिक, मुझे पता है इतना लंबा फोटो नहीं आएगा फ्रेम में, तो हम हाँ पेट अंदर है सबका नहीं, वो फोटो की एक स्माइल बढ़ जाती, जिनका पेट अंदर था वो नहीं हंसते, सिर्फ हम दो तीन हंसे। प्रायोरिटी औरतों का होना चाहिए। Thank you.
हमारे डायरेक्टर्स वी आर वर्किंग एक मैं खास इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि टीवी इज अ एमएमएफ इशू की थी दैट टाइम इट वाज 2000 में तो जब मैंने छोड़ा था बीच में तब बहुत लोग उदास हो गए थे और मुझे खास बोला गया था कि भाई बूढ़े और बच्चे ये जो घर पे बैठ के आपको देखते थे उनको बहुत तकलीफ हुई थी मेरे छोड़ने के बाद तब से मैं सोच रही थी कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है तो मुझे ऐसा कोई शो अगर मिलेगा जिससे मैं उनको फिर से उसी तरह एंटरटेन कर सकूं इसलिए मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी तो ये शो मुझे जो मिल गया तो शायद मैं उनकी इच्छा घर पे बैठे बैठे जो देखना चाहते हैं मुझे मैं उनकी ज़िंदगी में अगर थोड़ी खुशी ला सकूं तो यही मेरे लिए बहुत होगा तो ये है मेरे बूढ़े और बच्चे फैन क्या बात है ये जो सब है उनके लिए मैं बोल दिया बेबली बेबली ये है नानी बेबली ये है बुद्धि बुद्धू बेबी बुद्धू बेबी और ये जो है मेरी बहू जो अपने आप को बहुत समझती है महान बेबली है तो ये सब मेरे लिए बेबली है और ये मैं बोल रहा हां ये तो बाबला है तो बाबला है चाइनीज बाबला है चाइनीज बाबला देखो मैं कब से ढूंढ रही थी कोई अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रही थी कोई अच्छा शो ढूंढ रही थी कॉमेडी शो जिसमें मैं बिंदास काम कर सकूं लोगों को मज़ा करा सकूं मैं तो ये जब नया महीसागर की बात हुई तभी मैं बोली कि शायद ये रोल है ऐसा मुझे लगा और फिर पता चला कि ये तो भूत की स्टोरी है और मुझे भूत बनना है तो मुझे और मज़ा आया मैंने कहा वाह तो इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो फिर थोड़ा मुझे उसमें मज़ा आया कि हाँ और लोगों को मैं दिखाई दूंगी नहीं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो थोड़ा और ही डिफरेंट लगेगा मेरे लिए एक चैलेंज भी हो जाएगा देखो कैसे हो सकता है तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है मेरे लिए पर्टिकुलर रीज़न तो नहीं है लेकिन शायद उस वक्त जब मैंने छोड़ा शायद मैं उस वक्त वो किरदार नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था काफ़ी साल तक तो मैंने सोचा था कि अभी मैं ऐसा किरदार नहीं करूँगी तो डेफिनेटली कोई और टाइप का कॉमेडी होता तो आई वुड हैव लाइक टू डू इट बट ऐसा कुछ आया नहीं मेरे पास और फिर इतना टाइम के बाद मुझे फिर से थोड़ा मन हुआ मैंने बीच में अलग अलग रोल सब किए तो अभी फिर से मेरा थोड़ा मन हुआ था कि हाँ थोड़ा मैं वापस कॉमेडी करती हूँ क्योंकि वो एक थोड़ा आई ऑलवेज एन्जॉयड माई सेल्फ इन कॉमेडी एंड तो इसमें फुल फ्लेज्ड रोल है तो देखते हैं लोगों को भी मैं मज़ा करा सकती हूँ कि नहीं
जैसे कि महीसागर में आपको देखा गया दीपाली बहन मेहता कर दिवाली दिवाली बेन मेहता का, तो उसमें लिखा है जन्मदिन के लिए किसी को उसको मालूम ही नहीं है, जन्मदिन पूछना नहीं था, मरण दिन भी याद नहीं रहा। तो इसका मतलब यह कि एज इज नो बार, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कोई एज है और ये एज में मैं ये अब मैं जन्मी तो अब मैं मरी, मतलब मेरी एक एज है तो ये एज वेज में कुछ मानती नहीं। शी इज़ बच्चा एट हार्ट, मरने के बाद भी वो ऐसी ही है और जब जिंदा थी तब भी वो ऐसी ही थी, मतलब किरदार का कोई एज नहीं रखा है। हाँ, उसको दादी सास रिलेशन है तो दादी सास है वो, बट शी इज़ नॉट अ पर्सन के वो अभी बूढ़ी हो गई और मैं दादी हूँ, ऐसी नहीं है। देखो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे सराहा, मेरे डिफरेंट डिफरेंट मैंने रोल्स किए सब में मुझे चाहा है आपने, तो बस ये और एक मुझे मौका दे दीजिए। प्लीज़ देखिए मेरा शो नया महीसागर। मैं कुछ मैंने अलग तो नहीं, लेकिन हाँ एक हंसी वाला मजाक वाला किरदार करने की मैंने कोशिश की है, तो मुझे वो मौका दीजिए कि आपको मैं उसमें खुश कर सकूं, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी हंसी खुशी मैं ला सकूं, ये मौका मुझे दीजिए। महीसागर देखिए आप 22 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार शाम को 7:30 बजे आ रहा है मेरा शो। थैंक यू। मेरा कम्प्लीटली कॉमेडी कैरेक्टर है, थोड़ी सी डम है, थोड़ी सी इनोसेंट, प्यारी सी, चुलबुली सी, बहुत ही प्यारी सी बहू है घर की, बट उसे कोई भी कुछ भी कहता है समझ में तुरंत नहीं आता, तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब से रिएक्शन देती है जिससे लोगों को और हंसी आती है और मज़ा आता है, और वो ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है जिसकी वजह से परेशानी कम और खुशी ज़्यादा फैलती है। तो ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही चुलबुला सा, इनोसेंट, अच्छा डम वाला कैरेक्टर है सोनिया का। सी बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू मही, ऑल्सो आई एम क्लोज टू अनसुया, और दादी सास तो हमें नहीं दिखती है, बट ऑफकोर्स उनकी वजह से जो चीज़ें हो रही है कभी कभी हम डर जाते हैं कि ये क्या भूत आत्मा है कि क्या है, बट उससे हमें जो सपोर्ट मिलता है, हमें प्यार मिलता है, और ऐसी ऐसी नादानियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बहुत मज़ा आता है। तो वो जो सास और बहू का जो रिलेशन है मही और अनसुया का, उससे जो खुशी मिलती है, तो वी आर वेरी हैप्पी विथ दैट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सास एंड बहू। मैंने पहले सीज़न में भी फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमेडी किया था, मुझे कॉमेडी आता ही नहीं है, तो मैं आई हैव स्टार्टेड विद नेगेटिव बट देन इट टर्न टू कॉमेडी शो। तो हम लोग ने जब कॉमेडी शुरू किया तो मुझे लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना डम इंसान, इतना बुद्धू कैरेक्टर, ये ऐसा कैसे रिएक्ट करता है, बट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली करते करते इतना मज़ा आ रहा है कि कॉमेडी के अलावा मुझे और कुछ करना ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी विद कॉमेडी, बहुत मज़ा आता है। प्लीज़ नया महीसागर देखिए, हंसिए और हंसाते रहिए लाइक सोनिया एवरीबडी। थैंक यू। मैं मही का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और सॉरी अच्छा ओके हाँ मैं मही का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जो सीधी सादी लाइफ जीने वाली लड़की है, लेकिन पहले तो अपनी सास की मुसीबतों में फंसती थी, अब फंस रही है वो दादी सास की मुसीबतों में भी, तो सास दादी सास और मही, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपनी मुसीबतों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरी दादी सास आई है अपना सास धर्म निभाने, क्योंकि उन्हें अपनी बहू को थोड़ा ठीक करना है, उन्होंने सास धर्म निभाया नहीं जो कि मेरी सास हमेशा मेरे साथ करती रहती है, तो डेफिनेटली वो मेरे थ्रू करेंगी दादी सास, तो मैं तो गोल गोल घूमने वाली हूँ, और जब दादी सास मेरी हेल्प करना चाहेगी कि ये बेचारी मेरी वजह से फंस रही है, तो एक और मुसीबत बढ़ जाएगी। सो आई एम वेरी श्योर कि हमारी मुसीबतों पर आप लोग बहुत हंसने वाले हो, और आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी, हमारी बढ़ती रहेगी। कॉमेडी शो, आप कितना कॉमेडी करते हुए देखेंगे?
मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी कॉमेडी की नहीं जितनी मैं यहाँ पे कर रही हूँ. मैंने जो आगे दो सीरियल्स की थी वो बिल्कुल ड्रामा, रोना धोना. बालाजी की था, बालाजी का था तो वो भी ग्लिसरिन लगा के रो. और यहाँ पे मतलब हम सेट पे आते तो लग रहा है कि यार हम तो बस घर पे आ गए, एक और दूसरा घर है हमारा फैमिली टाइप्स. और मैं ये बता सकती हूँ कि कॉमेडी सीरियल करने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग वेरिएशन देने पड़ते हैं. एंड आई फील प्राउड दैट वी आर गाइडेड बाई जे डी सर्स थॉट. ये मेरा एक्चुअली सबका डिफरेंट डिफरेंट लुक है. जैसे कि मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पूरा ट्रेडिशनल गुजराती लुक दिया गया है. और आप देख सकते हैं रिंग, चूड़ियाँ, इयर रिंग्स एंड फुल ड्रेसेस गुजराती ट्रेडिशनल. हाँ, तो सबके अलग अलग लुक हैं. मम्मा शी इज़ अ मॉडर्न वुमन ऑफ टुडे, तो उनका भी पूरा लुक अलग है ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस दिखे गांव और शहर में. मैं बस यही कहूँगी व्यूअर्स को कि डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आप जब भी नया महीसागर देखोगे आप बहुत एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और ड्रामा दिखेगा आपको उसमें. तो प्लीज़ देखिए नया महीसागर और आप अपनी सारी मुसीबतें भूल जाओगे हमारी मुसीबतों को देखकर. थैंक यू.